कहानी का नाम है छोटी बुआ बड़ी सोच। मार्च के महीने में एक सुनहरी दोपहर आंगन के बीच एक तुलसी का पेड़ है और एक कोने में एक पानी का मटका। घर के आंगन में अनीता, जो 13 साल की लड़की है, और उसकी माँ लाजवंती पापड़ धूप में सुखाने के लिए रख रही है। लगता है कुछ लोग आए हैं। अरे, ये तो रिश्तेदार हैं। अनीता की छोटी बुआ निर्मला और उनकी 11 साल की बेटी प्रिया। प्रणाम छोटी बुआ। कैसी है मेरी प्यारी अनीता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रिया अब 7वीं कक्षा में है, तो तू 9वीं में होगी। बुआ मैं। अनीता अपने माँ की तरफ देखती है, तब लाजवंती उसकी माँ कहती है, अनीता तू बुआ के लिए पानी ले आ, मैं बुआ से बात करती हूँ। लाजवंती भाभी, क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ अनीता के स्कूल के बारे में पूछा। अनीता अब स्कूल नहीं जाती, हमने उसका स्कूल पिछले साल ही छुड़वा दिया। ये क्या कह रही हो लाजवंती भाभी, अभी तो अनीता के पढ़ने लिखने की उम्र है। चलो अनीता से ही पूछते हैं। अनीता तू पढ़ना चाहती है क्या? छोटी बुआ मैं तो स्कूल में अच्छा कर रही थी, पर माँ और बाबूजी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया, तो मैं कुछ कह नहीं पाई। निर्मला, हमारे जैसे छोटे मोटे परिवारों की लड़कियों को स्कूल जाने से मिलता ही क्या है? अरे वो ना तो गांव की रहती हैं, ना शहरी बन पाती हैं। पिछले साल में अनीता घर का सारा काम करना सीख गई है। अरे लाजवंती भाभी, स्कूल में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं जो उनकी आगे की जिंदगी में काम आता है। जैसे अब देखो ये डिजिटल इंडिया, सब कुछ मोबाइल, एटीएम और कंप्यूटर पर हो रहा है। बैंक में अकाउंट खोलना, पैसे संभालना या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, स्कूल में पढ़ेगी तो ये सभी काम आसान हो जाएंगे। अरे निर्मला, स्कूल में टीचर भी तो नहीं आते, व्यवस्था ही ठीक नहीं है। देखो भाभी, बच्चे को स्कूल में भर्ती करा दिया इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमारे गांव में सब माता पिता ने मिलकर एक स्कूल प्रबंधन समिति बनाई है जो स्कूल की गुणवत्ता पर नजर रखती है। अरे अभी भी समय है, अनीता तू फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती है, 10वीं की परीक्षा तो कम से कम दे ही दे। निर्मला, तुम्हारे भैया का भी यही फैसला था। अब तुम अनीता को कुछ और पाठ पढ़ाओगी तो तुम्हारे भैया गुस्सा हो जाएंगे। भाभी ये पुरानी दकियानूसी बातें छोड़ो, अब जमाना बदल गया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जमाना बहुत ही बदल गया है। अब के नए जमाने में छोटी बहन बड़े भाई को जिंदगी के बारे में सिखाएगी। आइए, आपकी बहन कह रही है अनीता को फिर से स्कूल भेज दें। क्या मिलेगा इस लड़की को स्कूल में पढ़ाई करके? नौकरी? जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी या फिर अपने से कम पढ़े लिखे लड़के से शादी करके अपने माँ बाप को कोसती रहेगी? देखो निर्मला, हम अनीता को वापस स्कूल में नहीं भेजेंगे। हाँ। छोटी बुआ मैं तो स्कूल जाना चाहती हूँ, समझाओ ना मम्मी पापा को। अनीता ने आपसे विनती की है तो बताइए कैसे समझाएंगे अनीता के माँ बाप को? क्या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चे का स्कूल छुड़वा दिया है? ऐसे बच्चों को स्कूल में वापस भर्ती कराने के लिए हम अपने या गांव के स्तर पर क्या कर सकते हैं? The Right to Children to Free and Compulsory Education Act 2009 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को स्कूल में होना चाहिए और गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 1098-1098 ये है चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर।
मुसीबत ग्रस्त बच्चों की मदद के लिए 1098 नंबर पर निशुल्क फोन करें। अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी से मिलें। बच्चे किसी भरोसेमंद बुजुर्ग से बात करें। बुजुर्ग बच्चे की बात ध्यान से सुने और उचित कदम उठाए। मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई, एक वक्त का खाना, स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त में दी जाती हैं। गांव की बेटी योजना में बच्चियों को साइकिल दिया जाता है ताकि वो स्कूल जा सके। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएं और जरूरतमंद बच्चों की मदद करें।